जम्मू और कश्मीर में बॉर्डर पर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान ने जिला पुंछ के मनकोट सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन कर गोलाबारी कर मोर्टार दागे। वहीं भारतीय सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कश्मीर घाटी से अपहरण किए गए सेना के लाइट इन्फेंट्री के जवान की आतंकियों ने हत्या कर उसके शव को दफना दिया है। ये सूचना आतंकियों द्वारा जारी किए गए एक ऑडियो क्लिप द्वारा दी गई। वहीं इस ऑडियो क्लिप में बताया गया कि कोविड-19 महामारी के चलते उसके शव को परिवार वालों को नहीं दिया गया। चैनल इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करती है। कश्मीर घाटी के श्रीनगर में बीजेपी के पूर्व ओबीसी इकाई के जिला अध्यक्ष अब्दुल हमीद को आतंकियों ने घर में घुसकर गोली मारी। उन्हें गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरा इलाका सील कर तलाशी अभियान चलाया हुआ है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमा विवाद जारी है। इसी बीच शनिवार को दौलत बेग ओल्डी में दोनों देशों के बीच मेजर जनरल स्तर की वार्ता हुई। ये वार्ता बीती शाम 7:30 बजे खत्म हुई। दोनों सेनाओं के वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जवानों को पीछे हटने को लेकर बातचीत की। वार्ता का एजेंडा देपसांग पर तनाव कम करना रहा। केंद्र स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 64,399 नए मामले सामने आए हैं, तो वहीं 861 लोगों की मौत हो गई है। इसके बाद देश भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 21,53,011 हो गया है, तो वहीं अब तक 43,379 लोगों की मौत हो चुकी है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में कोविड सेंटर के रूप में प्रयोग किए जा रहे एक होटल में भीषण आग लग गई। इस घटना में 7 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। वहीं 30 लोगों को सेंटर से निकाला गया है। बिहार में नेपाल से उत्तरी बिहार वाली नदियों में उफान के चलते स्थिति भयावह होती जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक बाढ़ का पानी नए इलाकों तक पहुंच जाने के कारण प्रभावित होने वाली जनता की संख्या 73 लाख पार कर गई है। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में अब तक सबसे ज्यादा 12,822 नए मामले सामने आए हैं और 275 लोगों की मौत हुई है। अब तक कोरोना महामारी से मरने वालों की संख्या महाराष्ट्र में 17,367 हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर वर्चुअल इंडिया @75 शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने कहा, भारत चीन के आकार और प्रभाव को देखते हुए दोनों देशों पर दुनिया का काफी कुछ निर्भर करता है। कश्मीर घाटी के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। मुठभेड़ कुलगाम के सिंघानपुर इलाके में हो रही है। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महत्वपूर्ण ऐलान किया। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत 101 के अधिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाएगा। इन 101 वस्तुओं में सिर्फ आसान वस्तुएं ही नहीं शामिल हैं, बल्कि उच्च तकनीक वाले हथियार सिस्टम भी हैं, जैसे आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, LCH रडार और अन्य आइटम, जो हमारी रक्षा की जरूरतों को पूरा करेगा। वरिष्ठ समाजवादी नेता व रामपुर के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी विधायक तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। आजम खान के खिलाफ दर्ज 69 मामलों में से 65 में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब जल्द जमानत के आसार भी नहीं दिख रहे हैं। टेलीविजन के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस के नए सीजन का जल्द आगाज होने वाला है। कलर्स चैनल ने सीजन 14 के लिए कमर कस ली है। हाल ही में चैनल ने बिग बॉस 14 का पहला टीजर रिलीज किया, जिससे एक बात तो साफ हो गई, इस सीजन को भी सलमान खान होस्ट करेंगे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में आर्थिक पहलुओं की जांच कर रही ईडी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक से करीब 7 घंटे से अधिक बातचीत की। ईडी अधिकारी ये पता लगाने में जुटे हैं कि सुशांत के 15 करोड़ रुपए कहां खर्च हुए। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किराना दुकानदारों, फल सब्जी, दूध दही विक्रेताओं और दूसरे व्यापारियों की कोरोना जांच करवाने को कहा है, ताकि संक्रमण पर रोक लगाई जा सके।